टेंथ स्टैंडर्ड के संस्कृत के टेक्स्ट बुक की लास्ट पोएम चित्रकाव्यम कंठस्थी करणार्थम आप लोगों को संस्कृत में लर्न करना है और पोएट्री पैसेजेस में भी आएंगी, नॉट फॉर ट्रांसलेशन। सुभाषितम नाम सम्यक रूपेण भाषितम, योग्य फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में जो कहा गया है दैट इज सुभाषित। संस्कृत सुभाषितानि आदर्श जीवनस्य गुह्यम आख्यान्ति। संस्कृत सुभाषित जो है वो आदर्श जीवन का सीक्रेट बताते हैं। वैशिष्ट्यपूर्णानि सुभाषितानि, स्पेशल जो सुभाषित होते हैं। संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के सौंदर्य स्थानानि, उसमें जो सुंदरता है, उसमें जो ब्यूटी है वो है उसमें। बुद्धि विकास सकानी, बुद्धि का विकास करने वाले सुभाषित नाम, उनका ही नाम है चित्र काव्यानी। तानी रंजकानी अपि अस्ति, दोज आर एंटरटेनिंग। अस्मिन् चित्र काव्य, इस चित्र काव्य में अंतर आलाप का मतलब है ऐसा पजल जिसमें उसका आंसर वही श्लोक में है। अन्योक्ति ही टॉन्टिंग, एक को बोलना है और दूसरे को बोल रहे हैं। हास्योक्ति कॉमेडी, कर्तृगुप्ता प्रहेलिका रीडल, समस्यापूर्ति ये भी रीडल, और वाक्को वाक्यम यानी कॉन्वर्सेशन, ये सारे सुभाषित यहाँ पे आए हुए हैं। देखो पहला वाला, फर्स्ट वाला आंसर भी उसमें ही और क्वेश्चन भी। एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट ओपन डाइजेस्ट। पहला है कम संजघान कृष्ण, कम मतलब किसे, टू हुम। संजघान कृष्ण, संजघान मतलब किल्ड, कृष्ण कृष्ण ने किसे मारा, ठीक है। कम का आंसर द्वितीय विभक्ति आने को ना, शीतलवाहिनी गंगा, का शीतलवाहिनी गंगा, शीत ठंड बहने वाली, शीतलवाहिनी यानी ठंड बहने वाली जो गंगा है वो कहाँ है। केदार पोषण रताहा, केदार पोषण दार दारे यानी दार पोषण रताहा, दार पोषण यानी अपनी वाइफ का पालन पोषण करने वाला कौन, के कह कौ के बहुत सारे। कम्बलवंतम न बांधते शीतम, कम किसे, बलवंतम ऐसा कौन शक्तिमान है जिसे ठंड नहीं लगती है, ठीक है। अब देखिए कंस जंघान कृष्ण, कृष्ण ने किसे मारा, यहां पे मेरे पास इसकी ये भी है। हुम डिड कृष्ण किल, का शीतल वाहिनी गंगा, वेर इज कूल रिवर गंगा, केदार पोषण रताहा, हु इज एनग्रोस्ड रताहा, रताहा मतलब एनग्रोस्ड, हु इज एनग्रोस्ड इन लुकिंग आफ्टर द वाइफ, कौन ऐसा बिजी है अपने पत्नी के पोषण में। और लास्ट कम बलवंतम न बांधते शीतम, विच स्ट्रॉन्ग मैन इज नॉट अफेक्टेड बाय द कोल्ड। अब इसके आंसर अगर हमें ढूंढने हैं तो इसके आंसर देखो, पहला मैं जहां सिलेक्ट कर रही हूं उतना देखो, कंसम किसे मारा, कंस को, कम द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, आ गई द्वितीय विभक्ति, कंसम, का शीतल वाहिनी गंगा, पहले दो अक्षर लेते हैं, काशी का मतलब स्त्रीलिंग आना चाहिए, काशी कहाँ है, तो काशी में, काशी यानी बनारस, गंगा कहाँ है, बनारस में। केदार पोषण रताहा, अब इसका आंसर अगर ढूंढने का है तो केदार पोषण रताहा कर, पहले अगर केदार इतना ही लेंगे, केदार, केदार यानी किसान, कौन अपने वाइफ का पालन पोषण करने में बिजी है, शेतकरी किसान। कम बलवंतम न बांधते शीतम, कम बलवंतम, कंबल यानी कंबल, ब्लैंकेट, वंतम यानी जिसने धारण किया है वह, ठीक है समझ गए।
This shlok is the example of Antarala. Here are four different questions along with their answers. It is based on Shabdalankar. One can obtain the answer a given question either by joining or dividing letters. या तो join करके आपको उसका answer मिल सकता है या तो फिर divide करके मिल सकता है. Just as Kamsa Jaghan Krishna means whom did Krishna kill? The answer Kamsam is obtained by joining the first two letters. Kashi Talavahini Ganga, where is cool river Ganga? Answer Kashi. Who is engrossed in looking after wife? Answer Kedara Poshanarata. Which means the one who is engrossed in taking care of field. Kam Balavantam Navandate Shita, which strong man is not affected by the cold? Answer Kam Balavantam. This is obtained by joining first two, three or four letters. ठीक है, चल अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट. अब ये बहुत सुंदर है, इसे बोलते हैं अन्योक्ति. मतलब कि मुझे किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना एक स्टूडेंट को है और मैं बोल दूसरे को रही हूं. मुझे बोलना है सानिका को और मैं बोलती हूं तन्वी को, लेकिन सानिका समझ जाती है कि ये तन्वी के लिए नहीं, ये मेरे लिए है. रोज निजी जिंदगी में हम उसे बोलते हैं टॉन्टिंग. वो टॉन्ट मारती है, वो टॉन्ट मारता है, ऐसे बोलते हैं. दैट इज ये है. अब यहाँ पे कवि को कहना हमें है, लेकिन कवि कहता है चातक को. कितना सुंदर है देखो. रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम. मित्र संबोधन विभक्ति है, चातक संबोधन विभक्ति है. रे रे चातक, ओ चातक, क्या है? ओ चातक, ओ माय फ्रेंड चातक. रे रे चातक मित्र सावधान मनसा, प्लीज लिसन केयरफुली. क्षणम श्रूयताम मतलब प्लीज लिसन केयरफुली फॉर अ मूमेंट. मतलब हम बोलते हैं ना अटेंशन. सावधान मनसा का मतलब अटेंशन. ओ चातक माय फ्रेंड प्लीज लिसन केयरफुली फॉर अ मूमेंट. क्षणम, क्षणम मतलब फॉर अ मूमेंट. अंबोधा बहवः अपि सन्ति गगने सर्वेपि न एतादृशाः. अंबोधाः, अंबोधा मतलब क्लाउड्स. अब ये जो चातक है, ये चातक क्या करता है बेटा? तो सिर्फ क्लाउड का पानी पीता है. जो क्लाउड में भरा हुआ पानी होता है वो, उसके लिए उसको 9 महीने राह देखनी होती है. समझो, अब बारिश जो है वो सितंबर में, सितंबर में अगर खत्म हो जाती है तो डायरेक्ट जुलाई, जून जुलाई में, मई में आती है, 8 महीने. तो वो बोलता है, कवि बोलता है कि चातक ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए इधर ध्यान दो. अंबोधाहा क्लाउड्स बहवापी बहुत है, संती यानी है, कहाँ है? गगने आकाश में. सर्वे पी नएतादृशा सब एक सरीके नहीं होते हैं. इतना सुंदर है कि सारे के सारे क्लाउड, देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काय बट दे आर नॉट सेम. केचित वृष्टि भी आर्द्रयंती वसुधा गर्जंती केचित वृथा. कुछ जो है वृष्टि भी, वृष्टि भी मतलब बाय रेन. आर्द्रयंती वसुधाम, ये जो पृथ्वी है ये पृथ्वी को बारिश से गीला करते हैं. आर्द्रयंती गर्जंती केचित वृथा, लेकिन कुछ तो सिर्फ गरजते हैं. यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः. जो जो तुम देखते हो, यम यम पश्यसि जो जो देखते हो, तस्य तस्य पुरतः उनके उनके सामने, माँ, माँ का मतलब डोंट, ब्रूहि डोंट टॉक, दीनं वचः उनके उनके सामने भीख मत मांगो. क्योंकि हर कोई क्लाउड तुमको पानी नहीं देने वाला, कुछ तो क्या है, सिर्फ गरजने वाले हैं. और क्लाउड देने वाले, सॉरी पानी देने वाले सारे के सारे नहीं. इसके लिए सबके सामने हाथ मत फैलाओ. अब देखो, ओ चातक माय फ्रेंड प्लीज लिसन केयरफुली फॉर मूवमेंट. देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काय बट ऑल आर नॉट अलाइक. फ्यू ह्यूमिडिफाई द अर्थ by showering rain.
You just roar in the in vain. Do not speak pitiable. Dinam. Dinam matlab pitiable. Do not speak pitiable words in front of whichever cloud you see. मतलब यहाँ पे कवि हमें कहना चाहते हैं कि सारे के सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जो देने वाले हैं. कुछ तो सिर्फ बोलने वाले हैं कि हाँ मैं ये देता हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं. इसलिए सबके सामने हाथ मत फैलाओ, सबके सामने अपनी कहानी मत बोलो कि मेरी दुखी कहानी है तो मुझे तुम कुछ दे दो. इस प्रकार यहाँ पे कवि जो है वो पाठकों को मतलब रीडर्स को कुछ बताना चाहते हैं. अब आगे का बहुत अच्छा है, कॉमेडी है. वैद्यराज नमस्तुभ्यम. यमराज सहोदर, जिनको डॉक्टर बनने का है उनके लिए है. ओ वैद्यराज, यहाँ पे संबोधन विभक्ति है. वैद्यराज नमस्तुभ्यम, सैल्यूटेशन टू यू. यमराज सहोदर, सहोदर यानी ब्रदर. यमराज यानी गॉड ऑफ डेथ. यू आर द ब्रदर ऑफ गॉड ऑफ डेथ. तुम तो यमराज के भाई हो. यम तु हरति प्राणान, यम तो सिर्फ प्राण लेके जाते हैं. त्वम तु प्राणान धनानि च, तुम तो प्राण भी लेके जाते हो और पैसा भी लेके जाते हो. डॉक्टर जो है वो प्राण भी लेते हैं और पैसा भी लेते हैं. अस कवीच मत है. बरोबर की वैद्यराज, डॉक्टरा तुला नमस्कार, तू तो यमाचा भाऊ आहेस. यम तो फक्त प्राण घेऊन जातो आणि तू प्राण आणि पैसा दोन्ही घेऊन जातो. ओ ग्रेट डॉक्टर, सैल्यूटेशन टू यू. एज अ रियल ब्रदर ऑफ यमराज, भाई यमराज टेक्स अवे ओनली द लाइफ बट यू फेस बोथ लाइफ एज वेल एज वेल्थ. ठीक है, एकदम इजी है ये. अब आगे का, आगे क्या है. राक्षसेभ्य सुताम रुत्वा जनकस्य पुरीम ययो. अत्र कर्तृपदं गुप्तं यो जानाति स पंडितः. राक्षसेभ्य, राक्षसों के द्वारा. ठीक है, सुताम, सुता यानी कन्या, डॉटर, रुत्वा, भगा के लेके गए. जनकस्य पुरीम ययो, जनक, जनक राजा जो था वो जनक राक्षसांकडून कन्याचं हरण केलं, करून जनकाच्या नगरीस गेला. जनक की नगरी में, पुरी, पुरी याने सिटी, टाउन. ययो, ययो याने गया, गॉन. अब ये जो सेंटेंस है, अत्र कर्तृपदं गुप्तम, यहाँ पे कर्ता ही नहीं दिखता है. कर्ता इज ऑलवेज इन प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे एक भी प्रथमा विभक्ति नहीं है. देखो राक्षसेभ्य नहीं है, सुताम द्वितीय है, ऋत्वा त्वान्त है, जनकस्य षष्ठी है, पुरीम द्वितीय है. तो अब यहाँ पे कर्ता ही नहीं दिखाई देता है, तो फिर इसमें कर्ता कौन है. जो जानेगा वो पंडित, ऐसा कवि का कहना है. ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है, ये एक चित्रकाव्य का अलग टाइप है. चित्रकाव्य का जो अलग टाइप है, अगर इसमें राक्षसेभ्य, अगर इनको हमने अलग अलग किया तो वहां पे शब्द मिलता है राक्षस प्लस इभ्य, और इभ्य का मतलब होता है राजा, राक्षसों का राजा. हो गई प्रथमा विभक्ति, है ना. अगर राक्षसेभ्य ये एक वर्ड है, जैसे देव ये अगर एक वर्ड है तो देवेभ्य उसकी पंचमी हुई, लेकिन राक्षसेभ्य ये पूरा वर्ड है तो देव प्रथमा विभक्ति हो गई. और राक्षसेभ्य का मतलब हो गया किंग ऑफ डेमन्स, एंड किंग ऑफ डेमन वॉज रावण. मतलब राक्षस का, राक्षसेभ्य का मतलब हुआ रावण. देयरफॉर यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है और वो वहां का कर्ता हो गया राक्षसेभ्य. दिस इज प्रथमा विभक्ति. द ओरिजिनल वर्ड ऑफ राक्षसेभ्य इज राक्षसेभ्य. दिस इज द ओरिजिनल वर्ड. राक्षस इज नॉट द ओरिजिनल वर्ड. ठीक है, नेक्स्ट. अब प्रहेलिका है, रीडल है. अयम न भक्त न पूजको वा. ये भक्त भी नहीं है और पूजक भी नहीं है, ना भक्त है ना पूजा करने वाला है. घंटाम स्वयं नादयते तथापि, लेकिन घंटा भी बजाता है. धनम जनेभ्य कीलम याचते यम, लोगों से
धन जो है, पैसा जो है, वो भी मांगता है सही में। न याचक न वा न च निर्धन वा, ना तो वो बेगर है मांगने वाला और ना निर्धन है, पुअर है। तो वो होता है बस का कंडक्टर। अयम न वक्ता न पूजक। बस में अगर कभी बैठे होंगे आप गवर्नमेंट की, तो वो टिंग 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 घंटा बजाता है। भक्त नहीं है, पूजक नहीं है, फिर भी घंटा बजाता है। टिकट 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 करके क्या करता है, तो लोगों से पैसा भी मांगता है, लेकिन फिर भी ना मांगने वाला है और ना ही निर्धन है, पुअर है। दिस इज नाइदर द डिवोटी नॉर अ वर्शिपर, येट रिंग्स द बेल ऑन इट्स ओन। इंडीड दिस वन ऑल्सो फॉर मनी फ्रॉम पीपल, बट इज नॉट बेगर और पुअर। देन हु इज दिस, तो वो है कंडक्टर, उसे बोलते हैं कंडक्टर। लोकयान वाहक, लोकयान वाहक ऐसा है, ठीक है। लोकयान यानी बस, और वाहक यानी लेके जाने वाला, यानी कंडक्टर। नेक्स्ट, रामाभिषेके जलमाहरंत्या, हस्ता स्मृतो हेम घटो युवत्या, सोपान मार्गेण करोति शब्दम, ठन ठन ठठन ठम ठठम ठठन ठम, है ना। शेवटचे शब्द खूप निरर्थक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ राइमिंग वर्ड है, ठन 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 ठठन ठन ठठ, ठीक है। रामाभिषेके, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ राम, राम अभिषेके, राम के अभिषेक के समय। अब एक युवती दिख रही है वहां पे, जलम आहरंत्या, जल लेके आने वाली। अब जल किस में लाती है, पीचर में, मटके में। हस्तात श्रुतो, हाथ से गिर गया। हेम घटो, सोने का मटका। हेम, हेम यानी गोल्ड, घट यानी पीचर। किसके हाथ से, युवत्या यंग लेडी, उसके हाथ से पीचर जो है, मटका जो है, वो गिर गया। सोपान मार्गेण, सोपान यानी स्टेप्स, वो स्टेप्स का जो रास्ता है उसपे से गिर गया। करोति शब्दम, उसमें से आवाज आया, है ना। वो पानी लेने के लिए जा रही थी, मतलब मटका कैसा था, खाली था, खाली मटका था, हाथ से गिर गया, हाथ से गिर गया, स्टेप्स पे से गिर गया, और उसमें से आवाज आई, ठन ठन ठठन ठन ठठन ठठन, ठीक है, समझ गए। चल आगे, नेक्स्ट। अब ये है खूब बुद्धिमान असा सुभाषित है, यहाँ पे लक्ष्मी और पार्वती इनका कॉन्वर्सेशन है। पहले का एक ट्रांसलेशन हमारा देखने का, इंग्लिश में पढ़ने का रह गया है, उतना पढ़ लेती हूँ। एट द टाइम ऑफ राम्स कोरोनेशन, द गोल्डन पॉट हैविंग वाटर वॉज स्किप्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ यंग लेडी, इट मेड द वॉइस ऑन द स्टेयर्स ठन ठन ठठन ठन ठठन ठठन। आगे, अब पहले ये ध्यान में लो कि लक्ष्मी और पार्वती कौन है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है और पार्वती शंकर की है, ठीक है। लक्ष्मी बहुत पैसों वाली है, पार्वती नहीं है। अब लक्ष्मी जो है वो पार्वती के यहाँ आई। लक्ष्मी किसकी कन्या है, सागर की कन्या है, और पार्वती किसकी कन्या है, हिमालय की कन्या है। अब लक्ष्मी जो है वो आती है और आने के बाद पूछती है पार्वती से, भिक्षु क्वास्ति। अब वो भिक्षु, लक्ष्मी वॉन्ट्स टू इंसल्ट पार्वती, लक्ष्मी पार्वती का अपमान करना चाहती है और पूछती है आते बराबर, भिक्षु, भिक्षु यानी भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला। वो शंकर को, शंकर भगवान को बोलती है, पूछती है कि भिक्षु क्वास्ति, वो भिक्षु कहाँ है। अब वो भिक्षु कहाँ है पूछती है, तो पार्वती, जिनको थोड़ी सी स्टोरी आगे पीछे की पता होंगी उनको समझ में आएगा, तो पार्वती बोलती है बले है मखे, मैंने संधि डिजॉल्व करके बोला, बलि नाम का राजा है और मख यानी यज्ञ, बलि के यज्ञ में। ऐसा क्यों बोलती है, तो सुनो हाँ ठीक से, बहुत बुद्धिमत्ता से लिखा हुआ है ये, कि विष्णु भगवान जो है, विष्णु भगवान वो बलि के यज्ञ में जमीन मांगने के लिए गए। मतलब भिक्षु कौन हुए, विष्णु। पूछ रही है शंकर को,
लेकिन पार्वती ने बहुत टैक्टफुली जवाब दिया, उसने लक्ष्मी के पति को ही भिक्षु बना दिया। तो बोलती है बलेर मखे, बलेर मखे मतलब कि तेरा ही पति भिक्षु हो गया। वो बोलती है कि विष्णु जवाब शंकर के लिए नहीं देती, विष्णु के लिए देती है। फिर पूछती है लक्ष्मी पशुपति ही किम नास्ति नास्ति असो गोकुले। पशुपति मतलब वापिस पशुपति में कौन है, शंकर भगवान। पशुपति किम, फिर पूछती है कि पशुपति कहाँ है। पशुपति, पशु यानी एनिमल्स, पति मतलब पालन पोषण करने वाला, किंग ऑफ एनिमल्स। अब पूछती है कि शंकर जो है वो तो पशुपति है, वो कहाँ है। तो उस पे पार्वती पूछ अब फिर से विष्णु के लिए जवाब देती है, न अस्ति असो गोकुले, क्या वो गोकुल में नहीं है। जवाब शंकर के लिए पूछ रही है, पार्वती जवाब विष्णु के लिए दे रही है। मुग्धे, अब यहाँ पे संबोधन, मुग्धे मतलब ओ फुलेश। पन्नग भूषण, पन्नग, पन्नग यानी सांप, सांप जिसका ऑर्नामेंट है वो कहाँ है, ऐसा पूछना है, ऐसा मैं मुझे पूछना है। सखी, अगेन संबोधन, ओ फ्रेंड, सदा शेते च तस्य उपरि, हमेशा तो उस पर ही सोते हैं। पूछा किसके लिए, शंकर के लिए, फिर से जवाब आया विष्णु के लिए, क्योंकि विष्णु हमेशा नाक पर सोते हैं। आर्ये मुंच विषादम आशु, आशु मतलब क्विकली, विषाद मतलब दुख, मुंच मतलब छोड़ दो, आर्य मतलब नोबल लेडी, ओ नोबल लेडी, मुंच, मुंच मतलब छोड़ो, गिव अप, गिव अप सोरो क्विकली, जो भी तुम्हारे मन में दुख है वो छोड़ दो। कमले न अहम प्रकृत्या चला, ये पार्वती बोल रही है कि ओ नोबल लेडी गिव अप सोरो क्विकली। कमले, अगेन संबोधन, ओ कमला, न अहम, मैं नहीं हूं प्रकृत्या, बाय नेचर, चला, रेस्टलेस। लक्ष्मी रेस्टलेस है, पार्वती नहीं। आपने 10 रुपए की नोट किसी को दी तो वो और किसी के पास जाएंगी, और किसी के पास जाएंगी, मतलब वो रेस्टलेस है। च इत्थम इन दिस वे, वही इंडीड, गिरिजा समुद्र सूतयो हो संभाषणम, दिस इज द कॉन्वर्सेशन ऑफ गिरिजा, बिटवीन गिरिजा, गिरिजा, गिरि यानी पर्वत, जा यानी जन्म लेने वाली, पर्वत से जन्म लेने वाली वो गिरिजा, वो पार्वती। समुद्र सूता, समुद्र सूता यानी लक्ष्मी, सूता यानी डॉटर, डॉटर ऑफ समुद्र, इनमें का ये जो संभाषण है, पातु वह हमारा रक्षण करे, मतलब लक्ष्मी और पार्वती वो हमारा रक्षण करे। देखो, वेर इज द मेंडिकेंट, मेंडिकेंट मतलब भिक्षु, वेर इज द मेंडिकेंट, ही इज इन द सैक्रिफाइस परफॉर्मेंस बाय बलि, ऐसा किसने जवाब दिया, पार्वती ने। वेर इज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, इज ही नॉट इन गोकुल, ओ डियर वन, वेर इज वन हु इज ऑमनेंट, सॉरी हु इज सॉरी हुज ऑर्नामेंट इज अ स्नेक, ओ फ्रेंड ही स्लीप्स ऑन द सेम ऑलवेज, ओ नोबल वन लिव डिसअपॉइंट, या फिर आप गिव अप भी बोल सकते हैं, गिव अप डिसअपॉइंट एट वंस, ओ लक्ष्मी आई एम नॉट फिकल माइंडेड, रेस्टलेस या फिकल माइंडेड लाइक यू। इन दिस वे दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन पार्वती एंड लक्ष्मी मे प्रोटेक्ट अस, ठीक है। इस प्रकार से ये चित्र काव्यम, ये पोएम जो है, ये थोड़ी सी एंटरटेनमेंट वाली और थोड़ी सी हमें तकलीफ देने वाली, ऐसी यहाँ पे खत्म हो जाती है।